देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश के रक्षा के लिए कुछ कुछ बनाऊंगा, मैं बड़ा के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त संजीव, आज मैं हूँ गोपालगंज के एक डेरवा गांव में और आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ एक छोटे से बच्चे से, छोटे से युवा वैज्ञानिक से, जिन्होंने एक छोटा सा मशीन बनाया है जिसको हम लोग मिर्ची कटर मशीन कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिर्ची कटर मशीन को और ब्लॉग्स में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं युवा वैज्ञानिक से। आ गए हैं हम युवा वैज्ञानिक के घर और ये सामने उनका घर दिखाई दे रहा है और बातचीत करते हैं उनसे, देखते हैं कैसा उनका नया प्रयोग है, कैसा आविष्कार है। प्रतीक कुमार कुशवाहा। प्रतीक कुमार कुशवाहा। अच्छा प्रतीक बाबू, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th class। 5th class। 5वीं क्लास के बच्चे ने बनाया है एक छोटा सा मशीन, मिर्ची कटर मशीन। आज जानते हैं मशीन को कैसे बनाया है उन्होंने। अच्छा एक चीज़ बताइए, गांव का क्या नाम है? एक डेरवा गांव है यहाँ, और ठीक पीछे इनका घर भी दिखाई दे रहा है और आसपास में गांव के लोग भी खड़े हैं, अपने युवा वैज्ञानिक को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये मिर्ची कटर मशीन काम करती है। अच्छा कौन सा आप मशीन बनाए हैं? मिर्ची कटर मशीन। देख लीजिए यहाँ पे मिर्ची दिखाई दे रही है और ये इनका मशीन है। थोड़ा सा और क्लोज से दिखाइए मशीन को। आपकी जो मिर्ची कटर मशीन है तो कैसे काम करती है, थोड़ा आप दिखाइए। कट करके दिखाएं। हाँ दिखाइए, देखिए कट कर। ये मिर्ची डाल रहे हैं और मशीन को उन्होंने चालू कर दिया है। अच्छा एक और मिर्ची डालिए। अच्छा दिखाइए, देख सकते हैं अंदर जो है मिर्ची कटी हुई है। ये सामने ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है, इसी ब्लेड से मिर्ची कट रही है। अच्छा ये जो मिर्ची कटी हुई है, क्या आप यहाँ टेक्निक यूज़ किए हैं, क्या किए हैं इसमें, ये बताइए। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर लगाएं, उसके बाद ब्लेड, उसके बाद बैटरी लगाए और इसको होल किया है। अच्छा आपने सबसे पहले प्लास्टिक का डब्बा लिया और बैटरी लिया है ना, और एक छोटा सा मोटर लिया और उसमें ब्लेड लगाया। हाँ, और उसके फेविक्विक से आपने साट दिया। हाँ, और उसके बाद आप इसको बंद करते हैं है ना, और ठीक उसके ऊपर से यहाँ मिर्ची लगाते हैं। अच्छा ये मिर्ची लगती है और ब्लेड जो है मिर्ची को, स्विच भी है। अच्छा यहाँ स्विच भी है ना, तो ये मिर्ची कटते जाती है। तो इस तरह से घरों में मिर्ची को काटा जा सकता है। एक छोटा सा प्रयोग है प्रतीक कुमार कुशवाहा जी का। सचमुच प्रतिभा जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं होती है। अगर हम ऐसे ही बच्चों को अगर कोऑपरेट करते हैं तो वैज्ञानिक बन सकते हैं। युवा वैज्ञानिक के रूप में उभरता हुआ या छोटा सा बच्चा एक डेरवा गाँव की शान है और ठीक आसपास हमारे जो लोग खड़े हैं हम उन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि प्रतीक के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं अपने गांव के लड़के को किस तरह से वैज्ञानिक के रूप में बनाना चाहते हैं करके। जानकर बहुत खुशी हो रही है हमको कि ऐसा मतलब इन्होंने कुछ अच्छा नया अपने दिमाग लगाकर अपना और कुछ नया करने का कोशिश किया। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे अपने छात्र के बारे में? और ये कहना चाहेंगे कि आज अगर ये इतना छोटा अपने दिमाग से इतना छोटा अगर काम किया है तो हम लोग के लिए देखे तो छोटा है लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा चीज़ है और आगे चल के इससे भी बड़ा काम करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आगे चल के इससे भी बड़ा काम करेगा अगर उसको कुछ सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से या स्कूल के तरफ से तो। अच्छा ये बहुत अच्छी बात होगी, अगर इस तरह का सपोर्ट मिले तो बच्चे जो है
भविष्य में और ही अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, छोटा उम्र में इतना अच्छा काम किया है, इसे हम लोग को प्रोत्साहित हुआ और अच्छा काम कर रहा है, आगे चलकर अच्छा करेगा। अच्छा, तो उसको और आगे आप प्रोत्साहित करेंगे? हाँ, चलिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसको और अच्छे से प्रोत्साहित करें और उसको मौका दें नया नया चीज बनाने के लिए। ये तो मतलब बनाया तो हमको भी देख के बहुत मैंने खुशी हुआ कि इतना मैंने खेलने कूदने की उम्र में इतना अच्छा मतलब एक अपने आइडिया से इतना अच्छा एक मशीन मतलब कटर बना सकता है। तो हम लोग चाहेंगे इसको कि मतलब आगे अच्छे से इसको वो करें, पढ़ाई लिखाएं, ठीक है, कि अच्छा है जाके अच्छा करे, ठीक है, इससे भी बढ़िया मतलब ये करे और भविष्य में मतलब बहुत अच्छा एक पोस्ट पे पहुँचे और अच्छा से पढ़े। चलिए बहुत अच्छा लगा यह जान करके कि उनको पढ़ाया जाएगा, प्रतीक को और आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी प्रयोग करने में। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट होता है और कुछ नया नया खोज कर लिया जाता है। हमारे साथ एक और बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कैसा लगता है प्रतीक के बारे में जानकर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खुशी होती है ना, गाँव का एक छोटा सा बच्चा जो है इतना अच्छा कटर मशीन बनाया है, अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है। अगर मौका मिले तो क्या आप बना नहीं सकते हैं? हम भी बना सकते हैं उसके मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा, वो बढ़िया बनाया है, आप भी बनाइए, है ना, और गांव का नाम आप भी रोशन कीजिए। एक और महोदय यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हमारा श्रीराम यादव नाम है। श्रीराम यादव जी यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा श्रीराम जी, ये बताइए कैसा लगता है आपको? हम लोग को खुशी होता है, हम लोग गरीब परिवार से, हम लोग को तो खुशी होता है कि हम लोग को बच्चा जो है आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करते हैं। दादी हैं यहाँ पे, बात करते हैं दादी जी से। क्या नाम है? राहुल मुंगामती देवी। मुंगामती देवी। अच्छा, ये बताइए राहुल, जन पोता बड़न नाती कितना बढ़िया काम कैले बड़न, कैसा लगता है देख के? खूब खुशी आगल बात पढ़ाए मनु आगे। हाँ हाँ, एकदम जितना आगे बढ़ी उतने बढ़ाए, जितना पढ़िए उतना पढ़ाए। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छा बा, इंकरा के पढ़ाई ठीक बा, अभी तो छोटा प्रयोग बाई, लेकिन एकरा आधार पर ही बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन बनावल जाला, तो इससे बहुत अच्छा बा रुआ गाँव खातिर घर खातिर। चलिए बहुत अच्छा लगा रुआ से मिलके, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रतीक कुमार कुशवाहा जी को लेकर के। फिर बात करते हैं हम प्रतीक से कि आगे क्या प्लान है उसका। प्रतीक, आगे क्या विचार है और क्या बनाने का इरादा है? आगे हम कूलर अब बनाएंगे। अच्छा, आगे आप कूलर बनाना चाहते हैं, है ना? अच्छा, कुछ और बनाएंगे। अच्छा, कुछ और बनाएंगे, वो भी ड्रोन बना सकते हैं। ड्रोन बना सकते हैं। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा है ना ड्रोन बनाने की बात को लेकर के। ये प्रतीक के दो दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हिमेश कुमार राजा। अच्छा, अच्छा आप बताइए, आपका दोस्त इतना अच्छा काम किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप भी बनाएंगे ऐसा? हाँ। प्रतीक के एक और दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? अमूल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अगर मौका दिया जाए तो बनाइएगा? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा है ना, इस तरह का कुछ कुछ बनाना चाहिए लोगों को, बच्चों को इस तरह अगर बनाते हैं बच्चे तो काफ़ी जो है समाज में भी नाम होता है, अपना ज्ञान भी बढ़ता है। और चूँकि विज्ञान का यह चीज़ है, मूलभूत सिद्धांत विज्ञान पर आधारित है इसका, कि हम जो है किसी भी ब्लेड्स को अगर हम रोटेट कराते हैं तो कोई भी चीज़ वो काट सकती है, उसी सिद्धांत के आधार पर प्रतीक कुमार कुशवाहा ने ये मिर्ची कटर मशीन बनाई है। क्या नाम है आपका? रोहन कुमार। रोहन, अच्छा इसी गांव के हैं? इस गांव के हैं। मामा, अच्छा मामा के यहाँ घूमने आए हैं ना, कैसा लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा। क्या नाम है? विनीत कुमार। विनीत कुमार, आप प्रतीक के दोस्त हैं? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है मशीन देख के? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, आपको मौका मिले तो बनाइएगा? जी सर। मौका मिले तो बनाइएगा ना? जी। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत खुशी की बात है कि छोटे से बच्चे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी दुनिया दाद दे सकती है। मेरा गांव का नाम है अगडेनवा, बहुत अच्छा गांव है, बहुत बड़ा गाँव है और यहाँ के लोग बहुत प्रिय है, सब मुझे प्यार करते हैं। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ अपने चाचा जी के साथ, मेरे चाचा जी भी इंजीनियर हैं इसीलिए बोल रहे हैं, और देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश के रक्षा के लिए कुछ कुछ बनाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें।
तो कैसा लगा प्रतीक कुमार कुशवाहा जी से मिलकर, जरूर बताइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी के अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।